अरे गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं हूँ प्रियंका, वापस से स्वागत करती हूँ हर रोज़ की तरह। 2 नवंबर का करंट अफेयर है, इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स वेरी शॉर्ट में फटाफट से स्टार्ट करते हैं। 35वां आसियान शिखर सम्मेलन बैंकॉक में शुरू हुआ, तो जो भी इवेंट होते हैं, जितने भी समिट्स होते हैं, उनके प्लेस आपको याद रखने हैं, ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ठीक है? और कौन सा एडिशन है वो आपको याद रखना है, ठीक है? तो 35वां है आसियान शिखर सम्मेलन बैंकॉक, ठीक है? 35th आसियान समिट बिगिंस इन बैंकॉक, ये आपको अच्छे से याद रखना है। डेट नहीं पूछी जाएगी, ठीक है? इसके अलावा जो जनरल अवेयरनेस में है वो थाईलैंड के प्रधानमंत्री प्रायुत चान ओ चा, ठीक है, इन्होंने इम्पैक्ट सम्मेलन परिसर में इसका उद्घाटन किया है, तो ये भी आपको याद रखना है। बहुत ज़्यादा टफ अगर पेपर बनाएंगे तो जो परिसर है, जो इन समिट है कहाँ स्टार्ट हुई वो पूछा जा सकता है। थाईलैंड प्राइम मिनिस्टर प्रायुत चान ओ चा इनोग्रेट्स दिस समिट एट इम्पैक्ट कॉन्वर्जेशन कॉम्प्लेक्स। अब थीम है सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, चार चीज़ें सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, 35th आसियान समिट बैंकॉक, थीम एंड लास्ट में कहाँ स्टार्ट हुआ, ठीक है? तो बैंकॉक थाईलैंड में स्टार्ट हुआ, उसके बाद बैंकॉक थाईलैंड में कहाँ हुआ तो इम्पैक्ट कॉन्वर्सेशन कॉम्प्लेक्स में हुआ, और थीम है सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट वो है एडवांसिंग पार्टनरशिप फॉर सस्टेनेबिलिटी, ठीक है? थीम से सारी अच्छे से याद रखिएगा। इसके बाद है राजनाथ सिंह ताशकंद में होने वाले SCO बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे। राजनाथ सिंह टू रिप्रेजेंट इंडिया एट SCO मीट इन ताशकंद, ठीक है? तो इम्पॉर्टेंट क्या है इसमें, SCO में इंडिया को किसने रिप्रेजेंट किया, राजनाथ सिंह ने। क्वेश्चन कैसे भी घुमा फिरा के दिया जा सकता है। पहले हम फुल फॉर्म देख लेते हैं, आज जो रिव्यू कोर्स में मिलेगा उसमें आपको एब्रीविएशंस मिलेंगे। सेकेंड डे हमारा, एक दिन छोड़ के एक दिन हम एब्रीविएशंस लेंगे, और जो बीच में डे हमारा एक बचेगा, एक दिन छोड़ के एक दिन लेंगे, तो बीच में जो डे बचेगा उसमें टॉपिक्स लेंगे, ठीक है? तो कल उसमें मिलेगा आपको आसियान का, क्योंकि आसियान अब स्टार्ट हुआ है, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, तो उसकी जानकारी मिलेगी, ठीक है? अब है CHG, काउंसिल ऑफ हेड ऑफ गवर्नमेंट और SCO इज शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन। 2 दिन पहले भी हमने ये पढ़ा था, ठीक है ना? तो ये हमें याद रखना है, ताशकंद में होगा, ओके। और इसके बाद है भारत 2017 में इसका मेंबर बना था, तो तब से ही अब तक इसकी तीसरी मीटिंग होगी हमारी, ठीक है? और जो लास्ट 2 हुई थी मीटिंग्स वो कहाँ हुई थी, सोची रूस रशिया में सोची, और जो हुई थी दूसरी वो हुई थी तजाकिस्तान दुशानबे में, ठीक है? तो ये भी हमें याद रखना है। फिर है अल्बर्टो फर्नांडिस ने अर्जेंटीना में राष्ट्रपति बने हैं, ठीक है? अल्बर्टो फर्नांडिस अर्जेंटीना के नए राष्ट्रपति, अल्बर्टो फर्नांडिस अर्जेंटीना के नए प्रेसिडेंट, ठीक है? तो ये हमें याद रखना है। इसके बाद है साद हरीरी ने लेलबाना के प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दिया है, रिजाइन किया है किसने, साद हरीरी ने प्राइम मिनिस्टर ऑफ लेलबाना, ये हमें याद रखना है। ये कुछ रीज़न है उनके रिज़ाइन करने के जो इम्पोर्टेंट आपको याद रखने के हिसाब से हैं, तो वो आप पढ़ लीजिएगा वीडियो को पॉज करके। बाकी आपको जो याद रखना है वो है साद हरीरी प्राइम मिनिस्टर ऑफ लेलबाना रिज़ाइन किया है इन्होंने, ठीक है? रिज़ाइन एज अ प्राइम मिनिस्टर ऑफ लेलबाना साद हरीरी। इसके बाद है भारत वित्तीय समावेश के लिए सबसे अनुकूल वातावरण के साथ शीर्ष देशों में रहा है, इंडिया अमंग टॉप नेशंस विद द मोस्ट कंडसिव एनवायरमेंट ऑफ फॉर फाइनेंशियल इंक्लूजन रिपोर्ट, ठीक है? रिपोर्ट किसने जारी करी है, ये द इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट 2019 ग्लोबल माइक्रोस्कोप, ठीक है? इन्होंने ये रिपोर्ट जारी करी है और भारत इसमें टॉप पे रहा है। 4 देश हैं जिन्होंने सभी मानदंड पूरे किए हैं, ठीक है? सभी पैरामीटर्स जो हैं परफेक्ट हैं उनके, वो हैं कोलंबिया, इंडिया, जाम्बिया एंड उरुग्वे, ठीक है? इसके बाद में जो टॉप नेशंस रहे हैं वो हैं इंडिया, कोलंबिया, पेरू, उरुग्वे एंड मैक्सिको, ठीक है? ये इनका नंबर है तो हमें याद रखना है ये। फिर है डॉक्टर हर्षवर्धन ने लसीका फाइलेरिया एक डिसीज़ है ये, इसे ख़त्म करने के लिए नई दिल्ली में राष्ट्रीय संगोष्ठी का उद्घाटन किया है, ठीक है? डॉक्टर हर्षवर्धन इनोग्रेट्स नेशनल सिंपोजियम टू एलिमिनेट लसीका
फाइलेरिया इन न्यू दिल्ली। तो दो तीन चीज़ें हैं वो इसमें हमें याद रखनी है। पहली लसिका फाइलेरिया न्यू दिल्ली में इसे लॉन्च किया गया है, डॉक्टर हर्षवर्धन ने किया है, ठीक है। अब लसिका फाइलेरिया क्या है? ये एक डिसीज़ है जो कि होती है किसमें? ह्यूमन पैरासिटिक वॉर्म में, जिसे क्या कहा जाता है? वुचेरिया ब्रैनक्राफ्टी, ठीक है। तो ये हमें इसका साइंटिफिक नेम लर्न करना है, तो इसे क्या कहा जाता है? वुचेरिया ब्रैनक्राफ्टी, ठीक है। अब ये किन मच्छरों के काटने से होती है? ये क्यूलेक्स मच्छरों के काटने से होती है, तो ये भी हमें याद रखना है। क्यूलेक्स मच्छरों के काटने से ये होती है, डॉक्टर हर्षवर्धन ने इनोग्रेट किया है, न्यू दिल्ली में इनोग्रेट किया है। किस बीमारी को? लसिका फाइलेरिया को इनोग्रेट किया है। इस मच्छर को ख़त्म करने के लिए संगोष्ठी स्टार्ट करी है, ये सब हमें याद रखना है। फिर है भारत के प्रवासी नागरिक अब राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली की सदस्यता प्राप्त कर सकते हैं, ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया। ओके, अभी इसे पढ़ के मुझे याद आया है, किसी ने कमेंट किया था, उन्होंने NRI OCI और PIO का डिटेल मांगा था, तो आज शाम को रिव्यू कोर्स में हम वो भी ले लेंगे एक बार, ठीक है। तो ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया मे नाउ सब्सक्राइब टू नेशनल पेंशन सिस्टम, ठीक है। अभी तक ये जो चीज़ थी वो उन लोगों के लिए अलाउ नहीं थी, पर अब जो नेशनल पेंशन सिस्टम में है उसमें वो लोग रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, ठीक है। OCI इज ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया, NPS इज नेशनल पेंशन स्कीम, इसमें ये लोग एनरोल कर सकते हैं और इसका फायदा उठा सकते हैं। ओके, अब ये किसके द्वारा है? इस बारे में पेंशन कोष नियामक और विकास प्राधिकरण द्वारा ये अधिसूचना जारी की गई है। PFRDA पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ने इसे नोटिफाई किया है। ओके, अभी आपको दे रखा है इसका जारी अधिसूचना। भारत के प्रवासी नागरिक OCIF जो ये संस्था है इनके द्वारा आवेदन कर सकते हैं, तो ये सब हमें याद रखना है। और एक और जो हमें फुल फॉर्म याद रखनी है वो है फेमा, विच इज फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1999 से है ये। इसके बाद है कर्नाटक में पूर्व लोकायुक्त एन वेंकट चला का निधन हुआ है, ठीक है। कर्नाटक के पूर्व लोकायुक्त हैं कौन? एन वेंकट चला, फॉर्मर कर्नाटका लोकायुक्त एन वेंकट चला, इनका निधन हुआ है। इसके अलावा ये जज भी रह चुके हैं सुप्रीम कोर्ट के, तो ये हमें याद रखना है। एम वेंकट चला के बारे में कुछ ये डिटेल्स हैं, ये आप वीडियो पॉज करके पढ़ सकते हो। इम्पॉर्टेंट है वो हमें क्या याद रखना है कि ये सुप्रीम कोर्ट के जज रह चुके हैं वेंकट कर्नाटका में, और लोकायुक्त ऑफ कर्नाटका कौन? एम वेंकट चला, ठीक है, ये हमें याद रखना है। फिर है वीके सिंह ने 5वें अंतर्राष्ट्रीय रोड टेक सम्मेलन को संबोधित किया है। वीके सिंह एड्रेस्ड 5th इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ ऑन रोड टेक। रोड टेक क्या है? 5th एडिशन है किसका? इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ रोड टेक 2019 कहाँ हुआ है? दिल्ली में, ये हमें याद रखना है। मोस्टली पूछ लिया जाता है कई बार कि ये इवेंट कहाँ हुआ, तो ये दिल्ली में हुआ, नई दिल्ली में, ठीक है। इस उद्योग संस्था एसोचैम इंडिया, एसोचैम इंडिया क्या है? एसोसिएशन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री ऑफ इंडिया द्वारा आयोजित किया गया है। किसके द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया है इसे? एसोचैम इंडिया। एसोचैम इंडिया का फुल फॉर्म क्या है? एसोसिएटेड चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया, ठीक है, तो ये भी हमें याद रखना है। फिर है वैश्विक आयुर्वेद शिखर सम्मेलन 2019 के तीसरे संस्करण का केरल के कोची में उद्घाटन किया गया है। थर्ड एडिशन ऑफ ग्लोबल आयुर्वेद समिट 2019 इनोग्रेट इन कोची केरल। ग्लोबल आयुर्वेद समिट थर्ड एडिशन कोची केरल, ये हमें याद रखना है। CII क्या है? जिसने उसे ऑर्गेनाइज किया है, तो CII है कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज, इसने ऑर्गेनाइज किया है थर्ड एडिशन किसका? ग्लोबल आयुर्वेद समिट 2019 GAS 2019 ग्लोबल आयुर्वेद समिट ऑर्गेनाइज किया है GII कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज। थीम क्या है इसकी? मेन स्ट्रीमिंग आयुर्वेद थ्रू द स्टार्टअप्स इनोवेशन एंड ब्रांडिंग, तो थीम भी हमें याद रखनी है। मैरीकॉम को IOC के 2020 ओलंपिक एथलीट एम्बेसडर समूह में शामिल किया गया है। मैरीकॉम नेम्ड इन IOC 2020 ओलंपिक्स एथलीट एम्बेसडर्स ग्रुप। IOC's इंटरनेशनल ओलंपिक कमिटी किसे इंक्लूड किया गया है? मैरीकॉम को। देखो, जो 10 एम्बेसडर की टीम होती है उसमें इन्हें शामिल किया गया है। शॉर्ट में याद रखने के लिए ये बेस्ट ट्रिक है, ठीक है।
ओलंपिक में एक 10 एम्बेसडर्स की टीम होती है, उसमें मैरी कॉम को भी शामिल किया गया है। ठीक है, इन्हें 6 टाइम बॉक्सिंग वर्ल्ड चैंपियन के नाम से जाना जाता है। ठीक है, और जो अगले 2 वर्ष टोक्यो ओलंपिक होंगे उसके प्रचार में मुक्केबाजी का ये प्रतिनिधित्व करेंगी। बॉक्सिंग है, बॉक्सर है तो ऑब्वियसली बात है बॉक्सिंग का ही करेंगी। ठीक है, तो ये हमें याद रखना है। और ये था हमारा आज का करंट अफेयर, शॉर्ट डिस्क्रिप्शन और मेन कंटेंट जो एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। पसंद आया तो लाइक और शेयर ज़रूर करिए, प्रोफाइल को फॉलो ज़रूर करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बाय फॉर नाउ।